से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली, और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसी के सामने कल FIR करने की बात आई है, और अभी यद्यपि FIR की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन FIR हो ही गई होगी, और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है, और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है, और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है, और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें, और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।